श्री गंगानगर राजस्थान का महत्वपूर्ण सीमांत लोकसभा क्षेत्र है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं राजस्थान के बीकानेर जिले से शुरू होकर पंजाब के फाजिलका और हरियाणा के सिरसा जिले तक फैली हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण श्री गंगानगर के सीमावर्ती गांवों के किसानों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के निहाल चंद मेघवाल ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भाजपा श्री गंगानगर सीट से किसी नए चेहरे को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। राजनीतिक हलकों में कांग्रेस द्वारा भी उम्मीदवार बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। श्री गंगानगर लोकसभा हलके में हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सदुलशहर, संग्रिया और टिब्बी विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। श्री गंगानगर जिले के गंगानगर, करनपुर, सुरतगढ़, रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। आजादी के बाद श्री गंगानगर सुरक्षित क्षेत्र से मेघवाल समाज का उम्मीदवार ही चुनाव जीतता रहा है। भाजपा की तरफ से निहाल चंद मेघवाल ने श्री गंगानगर से 6 बार चुनाव लड़ा है। निहाल चंद 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के समय निहाल चंद को मंत्री परिषद में जगह भी दी गई थी, लेकिन कुछ विवादों के चलते मंत्रिमंडल में फेरबदल के समय निहाल चंद का पत्ता कट गया था। पिछले 5 सालों में निहाल चंद ने श्री गंगानगर से कुछ लंबी दूरी की अनियमित गाड़ियों को शुरू करवाकर मतदाताओं को खुश करने का प्रयास किया है। इसके अलावा सराय रोहिला श्री गंगानगर एक्सप्रेस को बीकानेर तक करना भी निहाल चंद के खाते में जाता है, लेकिन भाजपा इस बार उम्मीदवारों के चयन में विशेष सावधानी बरत रही है। निहाल चंद के विकल्प के रूप में राज्य के दिग्गज नेता कैलाश मेघवाल, जिले के दलित नेता ओपी मिंद्रा और युवा भाजपा नेता प्रियंका बेलान का नाम सामने आ रहा है। अनूपगढ़ की प्रियंका बेलान मेघवाल परिवार की बेटी है। प्रियंका का अरोड़ा बिरादरी के प्रिंस नागपाल से प्रेम विवाह हुआ है। जानकारों का मानना है कि प्रियंका को उम्मीदवार बनाकर भाजपा श्री गंगानगर सीट पर दबदबा रखने वाली दोनों मेघवाल और अरोड़ा बिरादरी को अपने पक्ष में कर सकती है। प्रियंका बेलान पढ़ी लिखी युवा महिला है और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। प्रियंका को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नजदीक समझा जाता है। कांग्रेस की ओर से 1998 में इंजीनियर शंकर पन्नू और 2009 में भरत राम मेघवाल श्री गंगानगर से चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में भरत मेघवाल को भाजपा के निहाल चंद ने पराजित किया था। इंजीनियर शंकर पन्नू पिछले चुनाव में बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल से पराजित हुए थे। इस बार कांग्रेस की ओर से शंकर पन्नू को वापस श्री गंगानगर से उम्मीदवार बनाने की चर्चा चल रही है। पीलीबंगा के युवा नेता विनोद गोठवाल भी कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का कारण खेतीबाड़ी है। जिले के किसानों ने किन्नू और दूसरे फलों की खेती से प्रगति की नई इबारत लिखी है। इसके चलते सिंचाई के पानी की कमी चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किसानों की समस्याएं भी चुनाव के दौरान उठाई जा सकेंगी। श्री गंगानगर क्षेत्र में पंजाबी मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके चलते पंजाब की राजनीतिक हवा का असर भी चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। देश के अन्य भागों की तरह गंगानगर में भी राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।